नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अगर ट्रस्ट वॉलेट पे कोई भी करेंसी, मान लीजिए चाहे जो भी हो, क्वाइन हो, यूएसडीटी हो गया, बीएनबी हो गया, बिटकॉइन हो गया, कोई भी अगर क्वाइन आप ट्रस्ट वॉलेट पे रखे हुए हैं तो आप जो है उसको कैसे अपना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं बिना किसी इंडियन एक्सचेंज का सहारा लिए बगैर। समझ रहे, मान लीजिए आप वजीरक्स हो या कॉइन डीसीएक्स हो गया, इन सब एक्सचेंज को बिना यूज किए आप जो है अपने बैंक अकाउंट में कैसे वो करेंसी विड्रॉ करेंगे, वो आज मैं आपको तरीका पूरा बताने वाला हूं। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन है बाइनांस, आप सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इसको आपको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करके आप प्रॉपर उसको केवाईसी कर लीजिएगा, उसमें आपका एसएमएस ऑथेंटिफिकेशन ऑन होना चाहिए, उसके साथ साथ ईमेल का भी आपको ऑन होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपका जो है कि पासवर्ड जाएगा ओटीपी वगैरह फोन और ईमेल पे, ताकि आप जो है उसको वेरीफाई आसानी से कर सकें। तो ये चीजें हो जाएंगी, उसके बाद आपको करना क्या है, ये देखिए मेरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो गया। मान लीजिए इसमें कोई भी कॉइन हमारा पड़ा हुआ है, जैसे कि सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा जो बीएनबी है, मैंने यहाँ पे बीएनबी छुपा के रखा हुआ है, अब इसको मुझे अपने बैंक अकाउंट में लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ से बीएनबी ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ, बाइनांस पे। पूरा प्रोसेस आप समझिएगा अच्छे से, बहुत ही अच्छी चीज है। आप जो है कि जो इंडियन एक्सचेंज से विड्रॉल मारते हैं उसमें टाइम लगता है, कभी कभी पैसा फंस जाता है, आता नहीं है। जैसे मान लीजिए कॉइन डीसीएक्स का भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है कि उसमें आप विड्रॉल लगा देते हैं लेकिन आपका पैसा आता नहीं है, तो इसमें आपका ये श्योर हो जाएगा कि आपका पैसा कहीं फंसेगा नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तभी आप जो है उसको क्रिप्टो ट्रांसफर करेंगे कहीं पे भी। मैं आपको पी टू पी ट्रांजेक्शन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको जो ट्रस्ट वॉलेट से बीएनबी सेंड करना पड़ेगा या कोई भी कॉइन हो सेंड करना पड़ेगा, कहाँ पे भैया, बाइनांस पे। सेंड करने के लिए आपको क्या करना है, बाइनांस अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वॉलेट पे चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कौन सा क्रिप्टो डिपॉजिट करें भैया, आपको यहाँ पे सारा लिस्ट मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बीएनबी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बीएनबी मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ट्रस्ट वॉलेट से अगर आप स्मार्ट चेन भेज रहे हैं तो आपका बीप 20 वाला नेटवर्क चूज करना पड़ेगा आपको। अगर ट्रस्ट वॉलेट पे आप बीप 2 वाला अगर भेज रहे हैं बीएनबी कॉइन, तो आपको यहाँ पे बीप 2 वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो मैं बीप 20 वाला कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से स्मार्ट चेन वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको यहाँ से देखिए एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आपको कॉपी कर लेना, ठीक है। ये वाला एड्रेस हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से देखिए कॉपी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे, ये आ गया ट्रस्ट वॉलेट पे। अब देखिए मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, सेंड पे जाने के बाद मैं यहाँ से एड्रेस उसको पेस्ट कर देता हूँ भैया। पेस्ट करने के बाद जितना भी बीएनबी मेरे पास है यहाँ पे मैं डाल दूंगा, डालने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफर का, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा फीस कट जाएगा और मेरा जो है ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरे बाइनांस अकाउंट में ये जो है कि आ जाएगा। अब मुझे इसको बैंक अकाउंट में कैसे लेना है मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपके बाइनांस में आ जाएगा, वॉलेट के ऑप्शन पे आप रहेंगे, यहाँ पे स्पॉट वाले पे क्लिक कर देंगे, तो जो आपका बीएनबी कॉइन है, जैसे कि यहाँ पे मेरा बीएनबी ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ये शो होने लगा कितना बीएनबी आ चुका है, ठीक है। अब आपको जो है कि इसको सेल करना पड़ेगा। सेल करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ट्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रेड के ऑप्शन पे आइए, सेल करिए ताकि आपको यूएसडीटी वापस मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्पॉट पे सेलेक्ट होगा और यहाँ पे जो क्वाइन होगा वो बीएनबी आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये क्लिक हो गया। अब मुझे यहाँ पे बीएनबी सर्च करना, बीएनबी किसके पेयर में, देखिए ये जो यूएसडीटी है इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि बीएनबी यूएसडीटी के पेयर में आपको ये जो बीएनबी कॉइन है वो मिल जाए। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ बीएनबी, ये बीएनबी मैंने सर्च कर लिया, जो ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है ना बीएनबी यूएसडीटी वाला, उसको सेलेक्ट कर देना। ऐसा नहीं कि आप बीएनबी यूएसडी सेलेक्ट कर दीजिए, बीएनबी बीटीसी, ऐसा नहीं, आप ऊपर वाला सेलेक्ट करिए जो बीएनबी यूएसडीटी है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेल और बाय दोनों मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बीएनबी सेल करना है, उसके बदले आपको जो है यूएसडीटी मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए लिमिट देखेगा, लिमिट को यहाँ पे चेंज करके क्या कर देना भैया, मार्केट, मार्केट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे 100% कर देना है, ठीक है। 100% आप कर देंगे तो 100% जो आपका बीएनबी है वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सेल का ऑप्शन मिल रहा है ना, वो सेल हो जाएगा। और फिर आपके वॉलेट में, वॉलेट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आपको जो है कि यूएसडीटी शो हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो आपको यूएसडीटी, जैसे यहाँ पे सिप दिख रहा है, बीएनबी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यूएसडीटी है ना, ये आपका देखिए मेरा यहाँ पे $25 शो हो रहा है, तो आपका यहाँ पे यूएसडीटी आ जाएगा। अब यूएसडीटी आने के बाद अब प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, इस पर आप जाइए। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आदमी वाला आइकन दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए ये छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे पी टू पी पेमेंट मेथड दिया है, इस पर आपको चले जाना है, ठीक है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे एड
या पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जो है कि आप किस मोड में अपने अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप पेटीएम पे लेना चाहते हो तो यहाँ भी ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। IMPS से अकाउंट भी लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। UPI के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे UPI पे चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए जो मेरा नाम है यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपको UPI ID जो वर्चुअल पेमेंट VPA वाला होता है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका फोन पे वाला होगा तो उसमें आपका मोबाइल नंबर @YBL ऐसे करके होता है, वो UPI ID यहाँ पे डाल देना है। मैं अपना यहाँ पे UPI ID डाल के सबमिट कर देता हूँ इसको। देखिए जैसे अगर आप वहाँ पे अपना UPI ID डाल के सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और यहाँ पे आपको सेंड कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है ताकि यहाँ पे जो आपका कोड है वो सेंड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रिसेंट इन 56 सेकंड दिखा रहा है, मतलब यहाँ से सेंड हो चुका है। अब जो मेरे पास कोड आया हुआ है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोड डाल के सबमिट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल जो है कि दिखाने लगा, यहाँ पे मेरा जो है कि ऐड हो चुका है। अब मेरा UPI के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना भैया, अब देखिए आपको जो फाइनली काम करना है यहाँ पे देखिए P2P ट्रेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर आप चले जाइए, P2P ट्रेडिंग को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे एग्रीमेंट पूछेगा, आप इसको जो है कि यहाँ पे टिक करके कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ऐसे स्लाइड करिए, ट्रेड नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ट्रेड नाउ पे आप चले जाइए। अब देखिए आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। बाई का, बाई आपको करना नहीं क्योंकि आपके पास USDT है, उसको सेल करके अपने अकाउंट में पैसा लेना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सेल पे चले जाना है। सेल पे जाने के बाद फिर से ये आपका जो परमिशन वगैरह मांगेगा, यहाँ पे आप क्लिक करके ट्रेड नाउ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे USDT सेलेक्ट हो, यहाँ ना कि BTC, क्योंकि आपके पास USDT है, ठीक है। आपको यहाँ पे USDT कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे यहाँ पे देखिए रेट कितने रेट में वो खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीतम नाम है इनका, अनीता नाम है इनका, 79 रुपये 72 पैसे में ये खरीदना चाहते हैं। अगर आप वेजरेक्स पे भी बेचेंगे तो इतने में ही आपका लगभग बिकेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा 2-4 पैसे 5 पैसे का, बाकी आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा और नीचे आइए, जो देखिए सबसे ज़्यादा प्राइस दे रहा है 79 रुपया 72 पैसा ये ले रहा है। यहाँ पे 79 रुपये 72 पैसा में ये जो है कि बाई करेगा आपका जो भी क्वाइन USDT है, लगभग सारे वही हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा ट्रेड किसने किया, जो कम किया उस पर नहीं जाना है आपको, जो सबसे ज़्यादा किया। देखिए यहाँ पे 791, मतलब ये इस पर भरोसा हम कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 92.51%, ये कहने का मतलब ये ठीक ठाक है। यहाँ पे जितना भी ऑर्डर वगैरह किया था वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 97.24 दिया है, तो ये इस पर आप जा सकते हैं, ये भरोसे लायक है, अनीता नाम है इनका जी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना ये पैसा दे सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्रिप्टो अमाउंट 155 ये खरीदना चाहते हैं, मतलब 155 USDT ये खरीद सकती हैं, ठीक है। भैया आप देखें यहाँ पे आपको UPI वाला चूज करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे जो JITK हैं उनका जो है कि बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, लेकिन अभी देखें यहाँ पे जो प्रीतम भैया हैं, प्रीतम भैया का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने UPI लिखा हुआ है, यानी ये UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको प्रीतम भैया को चूज कर लेना, आपको ये UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे अमाउंट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक हो। आपको इसको फिल्टर आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप UPI के थ्रू अगर सिर्फ देखना चाहते हो तो आप इसको UPI पे क्लिक कर देंगे तो जो UPI वाले हैं खाली वही आपके सामने यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट पे अगर आप चले जाते हैं, अमाउंट पे अगर आप डाल देते हैं, मान लीजिए मिनिमम 2000 अगर आपको सेल करना है 2000 रुपये का, तो आपको कन्फर्म कर दीजिए। तो जो मिनिमम 2000 रुपये तक का अगर आप USDT जो लेना चाहते हैं खाली वही आपके सामने दिखेंगे भैया, क्योंकि अगर आपका पेमेंट छोटा सा है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग दिखेंगे जो कि जो है $100-200 के नीचे बात ही नहीं करते। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, अब जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिमिट कितना दिया है 2000 रुपये, मतलब 2000 रुपये तक का आपको ये बाई कर सकते हैं आपका जो USDT है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आप नीचे आइए तो इस सब सारे जो है कि आपको यहाँ पे मैंने, क्योंकि देखिए भैया मैंने 2000 रुपये मिनिमम कर दिया, UPI वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मेरे हिसाब के लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे नीचे जाता हूँ, जितना भी अगर आपको लगता है। और एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा भैया, क्या देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए 94% आपका ये सक्सेसफुली इन्होंने पेमेंट किया, तो इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। कुछ चूतिया लोग होते हैं जो है ना कि वो लोग पेमेंट ही नहीं ट्रांसफर करते, आप यहाँ से सेल कर देंगे लेकिन पेमेंट वो ट्रांसफर नहीं करते आपके अकाउंट में, तो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। हालांकि वो आपका डूबेगा नहीं पैसा, मतलब आपका क्रिप्टो कटेगा नहीं, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता, आप कन्फर्मेशन नहीं दे दें, तब तक आपका जो USDT है वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड किया है। यहाँ पे आप देखिए 1006 ट्रेड जो है इन्होंने सक्सेसफुली किया है, और यहाँ पे 92% की इनकी जो है कि एक्यूरेसी है, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है कि थोड़ा सा कम पैसे में आपका ये बाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला आप देखेंगे 79 रुपये 44 पैसे में ले रहा है, यहाँ पे 79 रुपये 25 पैसे में चले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेल पे क्लिक करने के बाद बाई फिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, बाई क्रिप्टो का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी क्रिप्टो के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर बाई फिएट, यानी अगर आपके पास USD वगैरह है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप क्रिप्टो यानी USDT के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाई क्रिप्टो पे जाना है आपको, ठीक है। आप बाई क्रिप्टो पे चले जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है, भैया कितना मैंने यहाँ पे 25 डाल दिया, ठीक है।
डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफर का छोटा सा ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए स्पॉट वैलेट सेलेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे फंडिंग सेलेक्ट होगा, ठीक है। आपका ये फंडिंग मतलब स्पॉट वैलेट से आपके फंडिंग वैलेट में आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इस पर आप देखिए यहाँ पे देखिए USDT सेलेक्ट है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको मैक्स कर देना है। मैक्स अगर आप कर देंगे तो मेरा जो $25 था यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कन्फर्म ट्रांसफर कर दूंगा, इसमें फीस लगेगा नहीं, मेरा स्पॉट वैलेट से फंडिंग वाले वैलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए कन्फर्म मैंने कर दिया, अब मेरा यहाँ पे ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। आप इसको जो है कि वहां से भी जाके कर सकते हैं, वैलेट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो वहां पे एक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसफर पे आप जैसे जाके वहां पे स्पॉट वैलेट सेलेक्ट करके टू फंडिंग वैलेट में आप करके USDT ट्रांसफर कर दीजिएगा पहले ही, ठीक है। मैं यहां पे बाद में किया हूं, आपको पहले कर देना है। तो यहां पे देखिए मैंने 25 डाल दिया, उसके बाद आपको यहां पे पूछेगा सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद जो मैंने UPI ID बनाया था वहां पे वो मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे सेल विथ 0 फी, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ आपसे कह रहा है कि मिनिमम जो है कि 25.23 USDT होना चाहिए, जबकि मैंने यहाँ पे 25 डाला है, तो मुझे यहाँ पे 25.23 USDT पूरा करना पड़ेगा, उससे कम नहीं लेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है भैया, USDT थोड़ा सा इसमें बढ़ा देना है। अब देखिए मैंने अपने वैलेट में जो $25 ज्यादा ऐड कर दिया है, अब यहाँ पे जो है कि सेल हो जाएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए ये जो अविनाश जी है यहाँ पे ग्रीन टिक है, यानी ये ऑनलाइन है, ठीक है। बंटी जी है यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक है, ये ऑनलाइन है, यानी आपको ऑनलाइन वाले को ही चूज करना है, समझ रहे हैं। और आपको यहाँ पे UPI वाला सेलेक्ट कर देना, आपको यहाँ पे 2000 INR वाला सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन वाले बंदे को चूज कर लेंगे तो आपको वो टाइम पे पेमेंट करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो ऑफलाइन है। फिर आपको जो यहाँ पे सेल पे चले जाना है, मैं यहाँ पे सेल पे चला गया। उसके बाद आपको जो है बाई फिएट एंड बाई क्रिप्टो, आपको क्योंकि क्रिप्टो आप बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पे बाई क्रिप्टो वाले पे चूज करना है। अब देखिए अमाउंट आपको डाल देना भैया, यहाँ पे 26 मैंने USDT डाल दिया और मेरे वैलेट में जो है यहाँ पे 27 USDT पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, मैंने UPI वाला चूज कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल विथ 0 फी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट, मतलब ये वेट कर रहा है जब तक ये, अब आपके जो बायर्स है जो आपने USDT बेचा है उसके पास एक नोटिफिकेशन गया होगा, अब वो आपके उसी UPI ID पे जब तक वो पेमेंट करेगा नहीं, जब तक वो पेमेंट का कंफर्मेशन करेगा नहीं तब तक आपको यहाँ से जो USDT है आपका वो कटेगा नहीं, ठीक है। ये मैं वेट करता हूँ, अभी जो टाइम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 मतलब एक घंटे का पूरा टाइम उसको मिला हुआ है, समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ जब तक उसका पेमेंट नहीं जाता है, मेरे UPI में पेमेंट करेगा, वो पेमेंट करके वो अपने ID से पेमेंट डन पे क्लिक कर देगा तो यहाँ पे फ्लैश आ जाएगा, फिर मुझे यहाँ पे एक दिख जाएगा भैया मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो चुका है। मैं अपने मैसेज वगैरह चेक कर लूँगा, मैं अकाउंट पे जाके चेक करूँगा कि भैया मेरा पैसा आया कि नहीं। जब मैं यहाँ से कंफर्म कर दूंगा कि मेरे अकाउंट में 2059 रुपये रिसीव हो चुके हैं, फिर जो ये प्रोसेस है बैनांस ऑटोमेटिक वो कर देगा, उसके वैलेट में USDT डिपॉजिट हो जाएगा और मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक घंटा बीत जाता है और वो पेमेंट नहीं करता है तो आपको यहाँ पे देखिए पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप उसको, अब जो डील है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए जैसे वो पेमेंट करेगा यहाँ पे पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे वहाँ पे क्लिक कर मतलब पेमेंट करके वो सबमिट करेगा तो यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपका USDT सेल हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर देंगे तो ये जो डील है वो सक्सेसफुल मतलब कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे। बाय द वे पेमेंट किया और आपके अकाउंट में नहीं आया तो आप जो है कि यहाँ पे चैट के ऑप्शन पे जाके अपना जो भी समस्या है उसका समाधान निकाल सकते हैं, यहाँ से हेल्प के ऑप्शन पे भी जाके आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बिना इंडियन एक्सचेंज को यूज किए हुए क्रिप्टो सेल करके अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ इसमें और भी क्योरी है, कुछ और इसमें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।